किसी लड़की का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। आप में से कितने लोग होंगे जो एक बेटी जाती होगी 8 साल की, उसे आप हिंदू या मुस्लिम की नजर से देखते होगे। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी बेटी या किसी भी बेटे को ये देख के सोचे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मगर ये राजनीति लोग, ये बीजेपी के लोग ये देख रहे हैं, ये कहते हैं ये हिंदू है या मुसलमान है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को हिंदू और मुसलमान बना दिया। इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात होगी कि एक छोटी सी बच्ची को हिंदू और मुसलमान कह के राजनीति करी जा रही है। अरे बच्ची तो बच्ची होती है, उसका क्या ईमान, उसका क्या धर्म, बच्ची तो बच्ची होती है। उस माँ से पूछो जिसकी बच्ची गई है, उस माँ के दिल से पूछो, और जितनी माँ यहाँ बैठी हुई है उनके दिल से पूछो कि वो अपनी बच्चों की परवरिश कैसे करती है। अगर यही हाल रहा इस देश का तो कैसे माएं अपने बच्चियों को बाहर निकालेंगी, क्या सोच के निकालेंगी, क्या उनके ऊपर दर्द होगा, क्या उनका दिल कहेगा। बड़े शर्म की बात है, फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं लगती। बड़े आराम से स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जांच हो रही है, जांच चल रही है। और देखिए चोरियों पर से सोना चोरी कि दो मंत्री, बीजेपी के दो मंत्री कठुआ में जो रेप के बलात्कारी है उनके समर्थन में आकर प्रदर्शन करते हैं। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है, डूब मरने की बात है। साथियों मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज ये घड़ी आ गई है कि अब हम लोगों को उठना चाहिए और इस सरकार को ये दिखा देना चाहिए। इस सरकार को ये दिखा देना चाहिए कि अब हम लोग जाग गए हैं, हिंदुस्तान की जनता जाग गई है, हिंदुस्तान की जनता अब ये कहने लगी है कि हम लोग हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, हम लोग इंसान हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।